और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती आईटी दफ्तर, आयकर विभाग के दफ्तर पहुंची हैं। दिल्ली में आयकर विभाग के दफ्तर पहुंची हैं, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, बेनामी संपत्ति को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई थी, जो कार्रवाई की गई थी, उसी सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया? नहीं अमन, ये मीसा भारती को यहाँ जो सर्चेज हुई थी, जो लालू के 22 जगहों, लालू से रिलेटेड 22 जगहों पर जो सर्चें हुई थी, उस मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश के यहाँ भी सर्च हुई थी। उसी सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग ने इसके पहले भी मीसा और शैलेश को 2 बार नोटिस दिए थे, लेकिन दोनों बार मीसा भारती और उसके पति ने कोई ना कोई बहाना लगाकर आने से इंकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद मीसा भारती अचानक आज इनकम टैक्स ऑफिस में आई और अब लगभग 11:30 बजे आयकर विभाग के ऑफिस में पहुंची, जहां पर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आयकर विभाग मीसा भारती से जवाब चाहता है। मसलन, उन्होंने जो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, शेल कंपनियों के तक वो किस तरह से पहुंची और शेल कंपनियों ने आखिर उनकी कंपनी मिशेल को पैसे क्यों दिए, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके बारे में आयकर विभाग पूछताछ करना चाहता है। फिलहाल आयकर विभाग की पूछताछ जारी है और मीसा भारती, जिस समय मैं आपको ये समाचार दे रहा हूँ, मीसा भारती से इस समय आयकर अधिकारी सामने बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं। ओम प्रकाश, ये पूछताछ इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कल ही खबर आई थी जिस तरह से आयकर विभाग के आदेश पर रजिस्ट्रार को बकायदा चिट्ठी लिखकर लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच करने का भी आदेश दिया गया था, तो ऐसे में ये पूछताछ और अहम हो जाती है। तार से तार जुड़े हुए हैं, जो मीसा भारती के यहाँ जो रेड्स हुई थी, जो इनके दिल्ली में जो उनकी प्रॉपर्टीज है उसको लेकर आयकर विभाग पूछेगा, चूंकि वो बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ही मामला है, यानी कि जो पटना की प्रॉपर्टी है या दिल्ली की प्रॉपर्टी है उसके तार से तार जुड़े हुए हैं। लिहाजा मीसा भारती से पूछताछ तो जो उनके रेड हुई थी उस सिलसिले में हो रही है, जो उन्होंने दिल्ली में जो फार्म हाउस खरीदे हैं उस सिलसिले में हो रही है, लेकिन चूंकि सारे मामलों के तार जुड़े हुए हैं लिहाजा पूछताछ के बिंदु तो उधर भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल मीसा भारती से कई क्रुशियल सवाल ऐसे हैं, सूत्रों का कहना है कि अभी तक की पूछताछ के दौरान कई ऐसे क्रुशियल सवाल मीसा भारती के सामने रखे गए जिनका जवाब उन्होंने या तो नहीं दिया है या फिर कह दिया है कि ये उन्हें याद नहीं है, या फिर उनका तीसरा सवाल था कि वो सीए से पूछकर बताएंगी। ऐसे तमाम सवाल आते हैं जिनको लेकर मीसा भारती परेशान हो रही है और फिलहाल मीसा भारती से पूछताछ जारी है। अमन और प्रकाश, आप जिक्र कर रहे थे लालू प्रसाद यादव के दामाद और मीसा भारती के जो पति हैं शैलेश, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस बारे में कोई अपडेट? देखिए, आज जो इनकम टैक्स के सामने शैलेश पेश नहीं हुए हैं, फिलहाल सूत्रों का कहना है कि मीसा भारती अकेली पेश हुई हैं, लेकिन शैलेश को भी इनकम टैक्स विभाग ने 2 बार नोटिस दिया था, 6 तारीख का और उसके बाद 12 तारीख का, लेकिन दोनों ही तारीखों पे शैलेश पेश नहीं हुए थे और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर वो नहीं आए थे, उन्होंने खुद की व्यवस्था का हवाला दिया था। लेकिन शैलेश आज अभी आयकर अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए, मीसा भारती आज आयकर अधिकारियों के सामने पेश हुई है और संभवतः अब लगता है कि शैलेश भी जल्द ही आयकर अधिकारियों के सामने पेश होंगे। अमन और ओम प्रकाश, आखिरी सवाल आपसे, कौन सी बेनामी संपत्ति से जुड़ा है मामला और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे होंगे? देखिए अमन, जो मीसा भारती हैं उन्होंने दिल्ली में मिशेल कंपनी की जो 2006 में बनी थी, लालू यादव का जो ऑफिशियल तुगलक रोड का जो पता था वहां से उस पते पर मिशेल कंपनी बनी थी। इस कंपनी में शेल कंपनियों के जरिए लगभग 1,20,00,000 रुपए आए थे और 1,41,00,000 के बदले मीसा ने एक दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा था। आखिर उन जो शेल कंपनियों जो पैसा दिया था मीसा की कंपनी मिशेल को, वो क्यों दिया था, क्या काम कराया गया था, किस काम के बदले पैसा दिया गया था और पैसा दे, और आखिर इन शेल कंपनियों से इनका वास्ता किस तरह का था, ये तमाम सवाल आते हैं जिनके बारे में मीसा भारती से पूछताछ चल रही है। देर शाम तक ये पूछताछ जारी रहने की संभावना है। हमें तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मीसा भारती आयकर विभाग के दफ्तर में पहुंची हैं, इससे पहले भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मीसा भारती को और उनके पति शैलेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, 2 बार समन दिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके पति शैलेश अब तक नहीं पहुंचे हैं, हालांकि मीसा भारती पहुंची है। और पूरा मामला क्या है हम आपको बता देते हैं, शेल कंपनीज फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी कंपनी मिशेल जो कंपनी है उसमें पैसा आया, उस पैसे से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदने का आरोप है। पिछले दिनों भी आपको बता दें बड़ी खबर आई थी जब लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े लोगों के अलग अलग 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, हालांकि लालू का जो परिवार है वो घोटालों के आरोप से इंकार कर रहा है, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। और कल इस तरह की भी खबरें आई थी कि लालू प्रसाद यादव के परिवार जो है उनसे जुड़ी संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेश आयकर विभाग की तरफ से रजिस्ट्रार को बकायदा चिट्ठी लिखकर दिया गया था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।